पाकिस्तान सीमा के पास स्थित पंजाब का बटाला शहर बुधवार को भीषण विस्फोट से दहल उठा। यहां एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। इससे अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है और 26 लोग घायल हैं। 7 घायलों के नाजुक हालत के कारण अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसमें से एक ने दम तोड़ दिया, जिसमें हादसे के कारण फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। घटनास्थल पर मलबा हटाने और राहत कार्य के दौरान भी धमाके हुए। इससे हड़कंप मच गया। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम वीरवार तड़के से फिर राहत और बचाव कार्य में जुट गई। मलबे में अब भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बटाला में हुए विस्फोट में लोगों के मारे जाने पर मुझे बेहद दुख है। डीसी और एसपी की निगरानी में राहत कार्य चल रहा है। तो वहीं गुरदासपुर के सांसद सनी देओल, जो कि इस समय अपने बेटे की फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं, उन्होंने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, बटाला में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से जान माल के नुकसान के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। जिला उपायुक्त से बात की, जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि सनी देओल आज बटाला आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि गुरदासपुर के सांसद सनी देओल के बेटे करण देओल जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। तो वहीं सनी देओल गुरदासपुर के सांसद हैं और ऐसे में उनके सांसद क्षेत्र बटाला में इतना बड़ा विस्फोट हो गया और सनी देओल अपने बेटे की फिल्मों में व्यस्त हैं। सनी देओल ने लोकसभा चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे किए, लेकिन इस समय वह अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।